ये देखिए गाइस, आज हम बहुत अमेजिंग ट्रिक लेकर के आए हैं। जो ट्रिक आप लोगों ने कभी पहले नहीं देखी होगी, इस तरह से अप्लाई करने पर, धागा वगैरह अप्लाई करने पर आपके मसाले कभी खराब नहीं होंगे और आपकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए दिखाते हैं आज की ट्रिक एंड ट्रिक्स। पहली ट्रिक है हमारी इस तरह के बर्तन को लेकर, जैसे रसगुल्ले वगैरह आप मंगाओ या कोई बाहर से मिठाई मंगाओ तो जिसमें कभी कभी, या नव दुर्गा वगैरह होते हैं तो उसमें कलश स्थापना करते हैं तो मिट्टी का घड़ा वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए करना क्या है, इन बर्तनों को आपको फेंकना नहीं है, देख सकते हैं। तो इन बर्तनों में क्या करना है, छोटे छोटे पौधे आप लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए हमने इस तरह के घड़े का इस्तेमाल किया है, वो छोटा छोटा पड़ रहा था, ये हमारा करी पत्ते का हमने छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, अभी जल्दी रिसेंटली लगाया हुआ है और देख सकते हैं कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये हमने किचन में ही रख रखा है क्योंकि किचन में तो थोड़ा सा हरा भरा रखो तो थोड़ा सा किचन अच्छा लगता है, लुक बढ़िया हो जाता है किचन का। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं किचन में, घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घड़े में चलिए दूसरा ही ट्रिक हम दिखा देते हैं, घड़े की दूसरी ट्रिक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, पहले तो देख लीजिए, अब ये देखिए प्रॉपर ढंग से ग्रो कर रहा है। अगर हम करी पत्ते के बेनिफिट बताने चलें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। करी पत्ते के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, आप गूगल पर जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये देख सकते हैं घड़ा हमारा थोड़ा सा गोल पैदी का है, तो इस तरह से रखते हैं ना तो ये घड़ा हमारा लुढ़कने लगता है, गोल गोल, तो डर लगता है नीचे गिर ना जाए। तो इसके लिए करना क्या है, इस तरह की बेकार पड़ी प्लेट जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको आप नीचे रख दीजिए इस तरह से, और घड़े को इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए, तो आपका घड़ा बिल्कुल नहीं लुढ़केगा और अच्छे से रखा रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि करी पत्ते के पेड़ को आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं, कुछ लोगों को पता होगा जिनके यहाँ करी पत्ते का पौधा लगा होगा, कि करी पत्ते के पौधे को बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से विंडो के पास हमने रख रखा है अपने किचन में। ब्लॉग वीडियो अगर देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी विंडो कहाँ पर है, तो इससे हल्का हल्का देख सकते हैं पानी की फुहार जैसी आ रही है, क्योंकि किचन में जाली लगी होने के बावजूद भी पानी आता रहता है, थोड़ा बहुत बरसता है तब। तो देखिए इस तरह से पानी की भी जरूरत पूरी हो जाती है पौधों में, इस पौधे में। और धूप जब सुबह मॉर्निंग में धूप निकलती है तो भी सीधा डायरेक्ट इसी पौधे पर धूप निकलती है, रहती लगती है किचन में हमारी, धूप अच्छे से आ जाती है, इस वजह से हमने यहाँ पर रख रखा है कि धूप और पानी अच्छे से मिलता रहता है, हम डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए, इस तरह की कांच की बोतल को लेकर के, तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक आलू ले लेंगे, आलू का छिलका छीन लेंगे इस तरह से, देखिए आलू का छिलका छीन लेंगे, जो आलू में स्टार्च होता है उसकी सहायता से, देखिए कांच की शीशा वगैरह है, कांच की क्रॉकरी के बर्तन हैं, जो भी है कितना भी अच्छा बर्तन हो बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। अब इसी बोतल को देख सकते हैं, ये बोतल हमारी बहुत ज्यादा गंदी है, तो इसके अंदर हम ये आलू के छिलके भर देंगे, ये देखिए इस तरह से, तो सारे के सारे छिलके हम भर देंगे इसमें, ये देखिए। और अब इसमें हम डाल देंगे डिटर्जेंट पाउडर, तो थोड़ा सा ही डिटर्जेंट पाउडर डालना होगा, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप ले लीजिए, क्योंकि बोतल बहुत ज़्यादा गंदी थी, इस वजह से हमने ले लिया बहुत डिटर्जेंट पाउडर, ये देखिए। अब इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे, देखिए अगर क्रॉकरी के बर्तन जैसे चाय वगैरह के बर्तन हैं तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हो, मगर हल्की कांच के बर्तन में गर्म पानी नहीं आपको ऐड करना है। तो इस तरह से देखिए, आप जो भी बर्तन डालिए पानी गुनगुना रहना चाहिए, और इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे और आप देखेंगे 2 मिनट में, आप देख सकते हैं बोतल बिल्कुल साफ हो गई है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा हिलाने में, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी बोतल, क्योंकि जो आलू में जो स्टार्च होता है उसी से कांच के बर्तन साफ हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पलट देंगे और सारे के सारे छिलके हमारे बोतल से बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो उंगली की सहायता से इस तरह से निकाल लीजिएगा छिलकों को, अगर फिर भी नहीं निकलते तो आप टूथ ब्रश ले लीजिएगा, उसकी सहायता से निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से निकल आते हैं, तो हमारे तो हाथ से ही निकल आ रहे हैं तो हमको टूथब्रश की जरूरत नहीं पड़ी है निकलने में। और देखिए जो ये छिलके हमने निकाले हैं इनको बोतल के ऊपर इस तरह से रब कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से बोतल को रब करेंगे, इसकी सहायता से देखिए बहुत अच्छे से बोतल साफ हो जाएगी। तो चलिए रब तो हम कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको इस बोतल को धुल कर भी दिखाते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा गंदा है वहाँ पर अच्छे से रब कर देंगे। और अब हम धुल कर दिखाते हैं, पानी को हटाते बाहर, इस पानी को फेंकना नहीं है, इसमें जो छिलके हैं वो हटा देने हैं और किचन के कपड़े टॉवल्स वगैरह डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बोतल हमारी कितनी साफ चमक कर आ गई है बिल्कुल, इसी तरह के आपके क्रॉकरी के बर्तन भी आप साफ कर सकते हैं आलू के छिलके से, तो अब आलू के छिलके फेंकेगा नहीं, इस तरह से कांच के बर्तन वगैरह साफ करने में यूज ले सकते हैं। तो अब देख सकते हैं गाइस मसालों के लिए, पहले भी एक हमने ट्रिक दी थी जो न्यू भी
बिगनर होते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं माप वगैरह से, तो उनको माप नहीं समझ में आती है कि फुल चम्मच क्या होता है, हाफ चम्मच क्या होता है। तो उसके लिए करना ये है, देखिए पहले भी एक ट्रिक हमने बताई थी, उसमें हमने रबड़ लगाने को बताया था, मगर क्या होता है जब हम रबड़ लगा देते हैं तो वो कैप बंद होने के बाद वो रबड़ टूट जाता है, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो ये देखिए इस तरह से हम धागा ले लेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका जो सिंपल सा जार है, सिंपल सा डिब्बा है, वो भी एयर टाइट बन जाएगा। तो इस तरह से धागे को बांधेंगे, देख सकते हैं। अब इस धागे को पलट कर दूसरी साइड में बांधेंगे। एक बात और गाइस, अगर आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस समय तबीयत सही नहीं है, कोल्ड हो गया है हमको भी, तो इस वजह से, मगर हमने सोचा काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहे थे तो वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो इस वजह से वीडियो हम बना रहे हैं। एक बात और गाइस, अगर हमारी जरा से भी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं। तो देखिए दूसरे सिरे को इस तरह से डालकर गांठ लगा देंगे इस तरह से, और अब देखिए इसका क्या करना है, एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसको निकाल देना है। बस इसका थ्रेड मजबूत लीजिएगा, आप प्लास्टिक वाला थ्रेड लीजिएगा वो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं जल्दी से। अब देखिए अगर आपसे एक स्पून कही जाए तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से अच्छे से माप करके निकाल सकते हैं। इस पर एक स्पून अगर कही जाएगी तो एक ही स्पून आएगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए जितनी बार आप करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा, कोई भी मसाला आप ऐड करेंगे। तो अगर एक दिन आपकी सब्जी अच्छी बन गई तो आप इसी माप से बनाएंगे, तो आपके सारे दिन सब्जी वगैरह बहुत अच्छी बनेगी, बहुत स्वाद बिल्कुल बदलेगा नहीं, इतना अच्छा है। और नेक्स्ट ट्रिक देख सकते हैं इसमें, इस तरह से धागा बांधने से क्या होगा, ये आपका जो ढक्कन है आप इस पर लगाएंगे, कैप लगाएंगे, वो बहुत अच्छे से मजबूती से लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि ये एयर टाइट बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसमें बरसात के टाइम पर बिल्कुल सीलन नहीं जाएगी, बिल्कुल भी आपके मसाले खराब नहीं होंगे, जो अजीब से गांठे गांठे से मसालों में बन जाती हैं वो भी नहीं बनेगी। और वैसे भी बरसात के टाइम पर जब भी धूप निकले आपको थोड़ा सा मसालों को धूप जरूर दिखा देना है, मगर ध्यान ये रखना है क्योंकि इस समय मौसम का पता नहीं चलता है कि कब बारिश होने लगती है और कब धूप निकल आती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है बनाना से रिलेटेड। तो जब भी हम बनाना लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी की वजह से 2 दिन से ज़्यादा नहीं बनाना हमारा चलता है, ख़राब हो जाता है। तो करना क्या है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा बाउल में पानी ले लेना है और जो टूटा फूटा बनाना हो या कटा हो उसको हटा देना है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। उसके बाद पानी में इसकी जो नीचे की डंठल होते हैं नीचे के, उसको डिप करके रखना है। बनाना नहीं डिप करना है, सिर्फ डंठल को डिप करना है। उससे क्या होगा, आपका बनाना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, बनाना बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये सारे ट्रिक एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। इस तरह के बनाने को पानी में नहीं रखना है जिनकी आगे की डंडी टूटी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।